आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं। हम लोगों ने अराउंड 2-3 महीने पहले अपनी 11th to BSc सीरीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट की थी, और मैं आपको बस ये बताने जा रहा हूँ कि अब हम ये फिर से रेगुलर वे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो न्यू सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ, या फिर जो बच्चे जिन्होंने अभी से देखना स्टार्ट किया है, उनको मैं ये बता देता हूँ कि हमारे पास जो टॉपिक्स कंप्लीटेड हो चुके हैं वो ये सभी टॉपिक्स हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करवाया है, जहाँ पे एकदम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है। उसके बाद मैंने आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर करवाया है, जितने भी तरह के डिफरेंट कंपाउंड्स की जो नेमिंग हो सकती है वो सारे ही तरह के मैंने कंपाउंड्स को कवर किया हुआ है। फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये वो टॉपिक है जहाँ से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस तैयार होता है, और यहीं से आपका एक सब्जेक्ट पर इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। इसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ाया है, जिसमें हमने कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, बेंजाइन, कार्बिन और नाइट्रिन के बारे में बातें की हैं। और फिर लास्ट में रिएक्शन मैकेनिज्म के अराउंड 49 लेक्चर्स की पूरी एक कंप्लीट सीरीज मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर चुकी है। मतलब ये जितने भी टॉपिक अभी तक हमने कवर किए हैं अपने 11th to BSc वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में, ये सब एज अ बेस काम करेंगे। यहाँ जब ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, तब आप इन टॉपिक को इकट्ठा करके आप अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगले सफर पर जा सकते हो। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो मैंने ये लिखा हुआ है, इन टॉपिक्स का एप्लीकेशन पार्ट है ये वाले टॉपिक्स। मतलब अगर हम इन टॉपिक्स को एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैं यूज़ करूँगा, जो भी बातें मैं यूज़ करूँगा, वो सिर्फ इन टॉपिक्स से रिलेटेड ही होंगी। और मैंने आपको बोला था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर कनेक्टिविटी का बहुत बेहतरीन गेम होता है। अगर आपके टॉपिक्स में कनेक्टिविटी होगी तो आपको बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी के साथ समझ में आएंगी। और मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक बात हमेशा बोलता हूँ, एक बार सीख जाओ करना क्या होता है, फिर तो वही करना होता है जो हो रहा होता है। तो कुल मिला के पॉइंट यही है कि हम ये सारे टॉपिक्स एकदम सिस्टमैटिक सीक्वेंस से स्टार्ट करने वाले हैं, और एक रेगुलर तरीके से फिर से अपना काम स्टार्ट करते हैं यूट्यूब का। तो जिसमें सबसे पहले एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स होगा, फिर एल्कीन्स, एल्काडाइन्स, एल्काइन्स होगा, बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स, ये सारे चैप्टर्स इसी सिक्वेंस में कंप्लीट होने वाले हैं। हाँ, अब मैं एक बात बता देता हूँ, जो भी कंटेंट आप लोगों ने आज तक पढ़ा है या आप कोई बुक देखे हो, तो सारे ही कंटेंट को मैं यहाँ पर कवर करूँगा, एकदम बेसिक से जितना भी बीएससी लेवल पर हायर कंटेंट होता है इन सभी टॉपिक्स पर। तो मैंने यहाँ पर बता रखा है कि वो सभी स्टूडेंट जो 11th, 12th BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर किसी भी यूनिवर्सिटी में हों, MSc भी इवन कर रहे हों, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स के लिए नहीं है तो आप यहाँ पर इस सीरीज को रेफर कर सकते हो। उसके बाद वह सभी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी ना हो या जिनको हाई लेवल कॉन्सेप्ट चाहिए हों, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। JEE मेन, JEE एडवांस, नीट, IIT जैम और इवन नेट एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग यहीं से है। तो ये सारी बात है, बस एक आपसे बात रखनी थी मुझे। अब सवाल यहां पर ये है कि सर आपने जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की थी उसका क्या? तो मैं ये कहूँगा थोड़ा सा वेट वहाँ पर आपको करना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूँ ये सीरीज़ जल्दी से ख़त्म हो जाए, ताकि एटलीस्ट मैं एक सेटिस्फाइड हो जाऊँ कि जो मैंने आपको बोला था 11th to BSc वाली सीरीज़ वो आपको कंप्लीट कर चुकी है। जैसे ही ये वाला काम कंप्लीट होगा, अराउंड 2 महीने लगेंगे इसमें, सितंबर और अक्टूबर का पूरा महीना लग जाएगा यही चीज़ कवर करवाने में, फिर मैं साइड में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ भी स्टार्ट कर दूंगा। वहाँ पर मैं आपको इसी बीच में फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट किया था, जनरल इंट्रोडक्शन टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो कंप्लीट करवा दूंगा। तो बस आप इस सीरीज का पूरा एकदम बढ़िया से मजा लीजिए। बाकी आपको पता ही है अपना ऐप चल रहा है, जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं वह भी अभी ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी आप सब्जेक्ट को बहुत एक सिस्टमेटिक वे में सीख सकते हो, बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ये बस बात आपसे मुझे कहनी थी। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।